जय हिंद दोस्तों, मैं अनुज कुमार आप सभी का एग्री न्यूज के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। इस वीडियो में बात करने वाले हैं बीबीयू के मेरिट लिस्ट के बारे में, जिसमें कि डिपार्टमेंटल जो लिस्ट जारी हुई है उसके बारे में। जैसा कि आपको पता होगा कि डिफरेंट जो डिपार्टमेंट है उनके तरफ से जो है मेरिट लिस्ट जो है वो जारी कर दी गई थी बीबीयू की, लेकिन अब उसमें जो सब जो है उसमें फिर से सेलेक्टेड स्टूडेंट की जो लिस्ट है वो भी जारी हो चुकी है। जो भी स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं तो उसी के बारे में बात कर लेते हैं। इस वीडियो में बात करेंगे फूड एंड न्यूट्रिशन डिपार्टमेंट की जो है लिस्ट जारी हुई थी। अभी कुछ डिपार्टमेंट की लिस्ट नहीं जारी हुई है जो स्टूडेंट इसमें सेलेक्ट हुए हैं। तो इसमें जो स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं उन लिस्ट को देख लेते हैं वन बाई वन, तो आप हमारे साथ बने रहिएगा। यहाँ पर देख सकते हैं स्कूल ऑफ होम साइंस, डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड न्यूट्रिशन, जिसमें कि आप यहाँ पर देख सकते हैं ये ऑफिशियल लिस्ट है जो जारी हुई है। इसमें देख सकते हैं प्रोविजनल एडमिटेड लिस्ट ऑफ एससी कैटेगरी फेज फर्स्ट। इसमें फेज फर्स्ट जो है एसटी कैटेगरी के स्टूडेंट हैं वो जो है इसमें एडमिशन पाए हुए हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो भी आपका नाम हो इसमें आप अपना चेक कर सकते हैं। इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगी। यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये रही आपकी एसटी कैटेगरी की लिस्ट जो कि फेज वन है। ये इसी प्रकार से भी फेज सेकंड, फेज थर्ड की जो है लिस्ट भी जारी होगी। जो स्टूडेंट इसमें एडमिशन नहीं लेंगे इस लिस्ट के, उन लोगों की जो सीट खाली रह जाएगी उसके लिए दूसरा फेज में लिस्ट फिर से जारी होगी। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये एसटी कैटेगरी की लिस्ट हुई और यहाँ पर आपका ईडब्ल्यूएस की लिस्ट है। ये यहाँ पर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की जो भी सीटें होती हैं उसके लिए ये लिस्ट निकली हुई है, जिसमें कि आप अपना नाम देख सकते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पर देखें जनरल कैटेगरी की, जिसमें कि जनरल स्टूडेंट और ओबीसी स्टूडेंट दोनों आते हैं। तो इसमें जो है आप देख सकते हैं कि इसमें 272 हाईएस्ट नंबर है यूआर का, और उसके बाद आपको 208 नंबर तक, 208 नंबर तक के स्टूडेंट को जो है इसमें कंसीडर किया गया है जनरल कैटेगरी में। तो यहाँ पर अपना नंबर देख सकते हैं क्या आपका नाम है इसमें, चेक कर लीजिएगा। लिंक का आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, इसकी पीडीएफ वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसी प्रकार